उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन से जहां कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा रहा है, वहीं इससे लोगों को जरूरी कामों में देरी का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद जनता में परिजनों की मौत के बाद लोगों को अस्थि विसर्जन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और मृतकों की अस्थियों को शमशान घाट में बने लोकरों में रखा जा रहा है। परिजन स्थानीय प्रशासन की अनुमति मिलने या फिर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अस्थि विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अस्थि विसर्जन के लिए अस्थि कलशों को हरिद्वार या ब्रिजघाट ले जाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वाहनों की आवाजाही बंद होने से परिजन इंतजार करने को मजबूर हैं। हिंदू मान्यताओं में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने और अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आजकल लोगों के सामने अजीब परेशानी उत्पन्न हो रही है। अंतिम संस्कार के तीसरे दिन परिजन शमशान घाट से अस्थियों को अस्थि कलश में लेकर गंगा में प्रवाहित करने ले जाते हैं। लॉकडाउन के चलते मृतकों के परिवार के सदस्य अस्थियां लेकर गंगा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लिहाजा अस्थियों को शमशान घाट में ही रखा गया है। शमशान घाट में अस्थियों को रखने के लिए बनाए लोकर यहां भर चुके हैं। वहीं कुछ लोग स्थानीय नदियों में भी अस्थियां प्रवाहित कर रहे हैं। शमशान घाट की व्यवस्था को देखने वाले लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले लोग अब अस्थियां प्रवाहित करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मझोला क्षेत्र स्थित लोको शेड मोक्ष धाम में बनाए गए लोकरों में कई अस्थि कलश विसर्जन का इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार और ब्रजघाट तक जाने के लिए वाहन की अनुमति नहीं है, लिहाजा लोगों ने अपने मृतक परिजनों के अस्थि कलश को अभी रोक रखा है। जनपद के ज्यादातर शमशान घाटों में यही स्थिति है। कोरोना वायरस के चलते जहां आम आदमी घरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं अस्थि कलश भी गंगा में प्रवाहित होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिजन ज्यादा देर होने पर स्थानीय नदियों में अस्थि विसर्जन कर अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा में अस्थि कलश प्रवाहित करने का इंतजार कर रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी तली की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? केसी शर्मा जी। सर, मोक्ष धाम में आप किस वक्त पे हैं? मैं अध्यक्ष वक्त पर। जी अध्यक्ष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में किस तरह का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? यानी जो पहले चौथे दिन लेकर के जाते थे, अब वो अस्थियाँ जो रुकी हुई हैं, रुकी हुई वजह से। अच्छा, लोग अपने परिजनों की अस्थियाँ हरिद्वार या ब्रिजघाट ले जाना पसंद करते थे, ऐसे में लॉकडाउन के कारण नहीं, आवागमन बाधित है, नहीं जा रही, तो कितनी संख्या हो रही होगी रोजाना? एक दो, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन अस्थियों को कहाँ रखा जा रहा है सर? लॉकर के अंदर। रोजाना अस्थियों की कितनी संख्या होगी सर, जो रोजाना आ रही? जितनी आती उतनी अस्थियों, जितनी आदमी आते उतनी अस्थियों। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। हाँ विजेंद्र, लॉकडाउन है देश में, ऐसे में लोगों की अस्थियाँ कहाँ रख रहे हैं लोग? नदी में, में। अच्छा, जो लोग हरिद्वार या ब्रिजघाट नहीं ले जा रहे हैं, तो उन लोगों की अस्थियाँ कहाँ रख रहे हैं? लॉकर में जमा कर रहे हैं लोग। तो रोजाना कितनी संख्या में लॉकर में जमा हो रही है? कम दो चार चार पाँच चार पाँच रोजाना हो रही है लॉकर में जमा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.